हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड विद प्रिया में मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं करी पत्ते की चटनी। तो आइए देखते हैं चटनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है करी पत्ता, जिसको पानी से अच्छे से धोके से सुखा लिया है। एक हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ, अदरक का टुकड़ा, तेल, जीरा, राई, कद्दूकस किया हुआ नारियल, टमाटर कटा हुआ और नमक। अब हम डंठल में से इन पत्तों को अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए पत्तों को मैंने अलग कर लिया इस तरीके से। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल गरम कर लिया है। अब उसके अंदर मैं आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी और इसे हम भून लेंगे। अब आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे, ये पीली राई है। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। राई तड़कने तक हम इसे पका लेंगे। ये राई हमारी चटकने लगी है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूंगी, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता सब डाल देंगे और सभी को अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें हल्का सा पकाना है। अब गैस बंद कर देंगे। सभी चीजें हमारी पक गई है, इसे ज्यादा नहीं पकाना है। एक प्लेट में अब मैं निकाल लूंगी इसे। अब इसे थोड़े देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद में हम इसकी चटनी बनाएंगे। हमारी सभी चीजें ठंडी हो चुकी है। अब मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा पानी और अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी कड़ी पत्ते की चटनी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके की चटनी हमें पीसना है। फ्रेंड्स, ये हमारी करी पत्ते की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी को आप डोसे, वड़े किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी आती है। इस चटनी को आप अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।